रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि हम आज दोबारा शिकार पे आए, पानी आप देख ले, पानी इस वक्त बहुत बेहतरीन पानी और चढ़ाव लगा हुआ है, बहुत शानदार चढ़ाव लगा हुआ है इस वक्त। ये आज हमारे अशरफ साहब बड़े दिनों बाद आए, ये शिकारी अशरफ अल्लाह खान साहब। मौसम अच्छा है, बादल आए हुए इस वक्त, बड़ा सुकून है, बादल छाए हुए और कुछ पानी हम डैम के इसमें आए, इस वजह से शिकार थोड़ा कम था, लेकिन आज उम्मीद है कि शिकार कर। जैसे अभी आपको हम बताते हैं, अभी हम चल रहे हैं रास्ते, बड़े ख़तरनाक रास्ते हैं, ऊँचे नीचे रास्ते हैं। वो पहले कई दफ़ा हम बता चुके हैं, ये रास्ते बहुत पानी बहुत शांत है इस वक्त। ये देखिए, ये छोटे छोटे जो पत्थर है ना, ये बड़े ख़तरनाक है, इससे इंसान का पाँव जो है लड़खड़ा जाता है, इससे आदमी जो है बड़ा मुहताज कर ला। वो सामने अशरफ साहब जा रहे हैं, पानी इस वक्त बेहतरीन अच्छा पानी माशाल्लाह। वो अशरफ साहब पर चल पहुँच चुके हैं, ये आप देखें माशाल्लाह, सबसे सुनहरा की बड़ी पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है ये। हाँ ये अशफुल्ला साहब, चलो बहुत ऊँचा ये, अरे जी ये रास्ता बड़ा ख़राब हो गया यार, ये रास्ता बिल्कुल कट गया, ये पगडंडी है। आप लोग से गुजारिश है, जो भी शिकार पे आए तो ये थोड़ा ऊपर से आ जाए, ये रास्ता बहुत ख़राब हो गया, काफ़ी डीप है ये, इतनी कोशिश करेंगे आप लोग ऊपर से आइए, ऊपर से जाइए। देखिए 6 तारीख है और हम अपने पेम्पिनो पॉइंट पे आ गए हैं, मौसम बड़ा खुशगवार है, मौसम हवा चल रही है, पानी दिखे चढ़ाव लगा हुआ है, आस्था सा पत्थर के पीछे पानी आ रहा है, ये पेम्पिनो पॉइंट है। अब यहाँ से ये रास्ता है, ये ऊँची पहाड़ी है, बादल छाए हुए इस वक्त, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, बादल छाए और ये यहाँ से कहते हैं जगह कौन सी है, तो आपको सारी जगह बताए थे फिर भी आप लोग नहीं पहुंच पाते। ये जगह देखिए, आप यहाँ से आएंगे वो झंडे से, ये रास्ता है सारा, ये रास्ते से आप पहुंचेंगे आस्ता आस्ता आस्ता, तो ये पूरा यहाँ से आप आएंगे, फिर ये यहाँ से ये रास्ता नीचे आ रहा है, बड़े एहतियात से मोहतात होकर आपको नीचे उतरना है। ये जो सारा पहाड़ी और कच्चा रास्ता है, छोटे छोटे पत्थर हैं यहाँ पर, उससे पाँव जो स्लिप होता है, पाँव स्लिप होता है, बड़ा ख़तरा, पाँव स्लिप होने से बंदर रोक जाता है। बस हम भी जो है ना, जब तक हिम्मत है अल्लाह ताला लेके आ रहे इंशाल्लाह, जो भी आपके साथ होगा शेयर करिए इंशाल्लाह आपका शिकार। लेकिन पानी जो है ना आप देखें, बहुत गंदा लगा हुआ, ये हम टैंक में पानी मिक्स हो गया, इसमें पानी जो है हम टैंक में मिक्स हो गया, मिट्टी का पानी हो गया सारा, खारा पानी और मीठा मिक्स है, चरना की पहाड़ी चमक रही है माशाल्लाह सामने। जैसा भी होगा आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आज हमारा 3रा 4था चक्कर है, लेकिन हमें शिकार कोई ख़ास नहीं लग रहा है, चलिए भी इससे आगे आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जो भी होगा। बहुत ग्रीन पानी है, शिकार का पानी नहीं है जनाब, आज बहुत ग्रीन पानी है, बड़ी दूर दूर तो पानी ग्रीन हो गया, ये अब डैम का पानी इसमें मिला है, मिलने के बाद जो है ना पानी बहुत ग्रीन हो गया है। ये 4 किलोमीटर आ रहे हैं आपको, ये चरने की पहाड़ी, आप आज हफ्ते का दिन है और शिकार के लिए हम लोग पहुँचे, पानी बहुत ग्रीन है और शिकार के चांसेस बहुत कम है इसके अंदर, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह शिकार हो। पानी जो है पानी बहुत ख़राब हो लगा हुआ है, पानी ख़राब है और ज्वार है, जैसे पानी फुल होगा और ये पानी क्लियर हुआ था फिर आपको इंशाल्लाह कोशिश है कि इसमें कुछ चांस बने शिकार।
ले जनाब, बड़े दिन बाद बहुत कोशिश के बाद एक गाना लगा है ये अशरफ साहब को निकाल लिया। देखो आप क्या निकालते हैं, पानी बहुत गिर है बंदा पानी है, उसके बावजूद भी जो है ना ये माशाल्लाह माशाल्लाह ही देखे। देखा तुम छोड़ छोड़ ये छोड़ दो, आपसे छोड़ दो, तुम छोड़ दो, मैं देखा रहा हूँ। ये देखिए जनाब, बड़ी कोशिश के बाद एक दाना काकान लगा, पानी बहुत ख़राब है, अब बिस्मिल्लाह हुई है, देखें इंशाल्लाह ताला फिर आपको और मज़ीद अपडेट करेंगे। चलो जी आज आज ब्रेकिंग न्यूज़ है। देखिए पहला शिकार और ये कह दिया 2023 का पहला सुनाम और ये लग गया माशाल्लाह ताला की मेहरबानी से। लग उधर कर दे, ये नीचे तो जाना, अगर दाना बड़ा हो तो ना ये सुनाम लग गया। ये देखें इसको कहते हैं सुनाब, आराम आराम से आराम से। जापी साहब का दूसरा सुनाब लगा है माशाल्लाह, ये देखें इसको कहते हैं सुनाब। ये है वीआईपी सुनाब सीजन का 2023 का दूसरा सुनाब है इंशाल्लाह आपको अभी आप ये देखिए। और मजीद आपको दिखाते भी शिकार शुरू हुआ था, आप यू देख रहे हैं, आप भी देखिए। ये बड़ी जान बात है, इसका हुक देखें, असल में शिकार ये होता है कि मछली को हुक करना, ये हुक करना होता है। जो मछली खुद कर जाती है ना वो शिकार नहीं होता, वो मछली खुद अपने आप को पकड़ा ही देती है। असल आपने ये हुक करना है, ये चीज़ है, ये देखिए आप ये चीज़ हुक है, इसको किया तो ये मछली अपने शिकारी ने हुक किया है, सही बात है, इसको कहते हैं शिकार। बाकी मछली खुद पकड़ाई देती है।
आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह आपको ऐसी मूवी और दिखाएंगे। इंशाल्लाह ये भी हमारे साथ है, चलने इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपको।